नमस्ते बच्चों, देखिए मैं पिछले कई दिनों से आपको बहुत प्रैक्टिस करा रही हूँ और अब आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि पढ़ाई सीरियसली शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे ही होंगे। बोर्ड एग्ज़ाम्स के आप फॉर्म आप लोग भर चुके हैं, तो अब आज जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ ये आपके 7 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ध्यान से कीजिएगा। मैं आपको करवा रही हूँ कि किस तरीके से एक अच्छा जॉब एप्लीकेशन लिखा जाए और साथ ही साथ एक अच्छा सीवी लिखा जाए। देखिए बहुत ध्यान से करेंगे आप आराम से सीख जाएंगे और आप उस चीज़ को लिखना सीख जाएंगे, तो चाहे फिर कैसा भी क्वेश्चन आए, कितने भी नाम वगैरह चेंज हो, आप आराम से कर पाएंगे। ये मैं तीसरी बार करवा रही हूँ और अब आगे आपको सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगी, इसलिए आज मैं लास्ट बार ये क्वेश्चन करवा रही हूँ। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, 7 नंबर का क्वेश्चन है, तो हम देखेंगे कि किस तरीके से एक अच्छा जॉब एप्लीकेशन और एक सीवी लिखा जाए। हियर हाउ टू राइट अ गुड जॉब एप्लीकेशन, हम ये देख रहे हैं। तो मैं एक क्वेश्चन लिख लेती हूँ। इमेजिन यू आर आकाश ऑफ 25 मधुर नगर नगर जयपुर, ठीक है। यू, आप कौन है? आकाश है और ये आपका एड्रेस है। यू came to know about a vacancy in a school. चलिए हम नाम ही लिख लेते हैं। इन विद्या मंदिर जयपुर फॉर द पोस्ट ऑफ अ लेक्चरर इन ज्योग्राफी, लेक्चरर इन ज्योग्राफी, ठीक है। अब आपने ये देखा तो अप्लाई या राइट एन जॉब एप्लीकेशन, राइट अ जॉब एप्लीकेशन विद सीवी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, आप देख लीजिए इसको। हियर इट इज़ द कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए जॉब एप्लीकेशन भी लिखनी है और सीवी भी लिखना है, और जो मैं पिछले 2-3 क्लासेस ले चुकी हूँ उनके लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वो भी देख सकें। अब हम जॉब एप्लीकेशन लिखते हैं। देखिए आप कौन हैं? आकाश, पहले तो आप क्वेश्चन पढ़िए कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है जो आपके काम का है। नाम दे दिया, एड्रेस दे दिया, और उसके बाद ये कहाँ दिया है, ये दे दिया, किस पोस्ट के लिए दिया है, ये दे दिया है, ठीक है। लिखना क्या है ये भी दे दिया है, तो अब आपको इन्हीं चीज़ों को काम में लेते हुए जॉब एप्लीकेशन लिखना है। हम आंसर शुरू करें। तो जब भी ऑफिशियल लेटर लिखते हैं तो हम पहले क्या करेंगे, लिखने वाले का पता। तो कौन लिख रहा है? आकाश। अब आप ये नाम तो नीचे लिखेंगे, इसलिए पहले ये लिख दीजिए। 25 मधुर नगर जयपुर, ठीक है, ये लिख दिया। अब आप लिखिए तारीख, डेटेड
कोई भी तारीख लिख दीजिए, मान लीजिए हम आज ही की लिख लेते हैं, तो आज है 7/11/2020, ठीक है। अब किसको लिख रहे हैं वो लिखना है, तो देखिए विद्या मंदिर स्कूल है तो आप या तो वहाँ के प्रिंसिपल को लिखेंगे या मैनेजमेंट कमेटी को लिखेंगे, तो हम लिखते हैं द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम दिया हुआ है विद्या मंदिर जयपुर, ठीक है। अब आएगा हमारा सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, कौन है, लेक्चरर इन ज्योग्राफी, लेक्चरर इन ज्योग्राफी, ठीक है, ये हो गया। अब हम मेन, देखिए ये इतना कर दिया आपने, इसके भी नंबर हैं, आप पार्ट वाइज देखिए, ये आपने लिख दिया, इसके नंबर हैं, फिर मेन बॉडी है, फिर नीचे है, फिर जॉब्स एप्लीकेशन है, तो सीवी भी है, सब चीज़ों के नंबर हैं, फिर डियर सर, ठीक है, आई आकाश केम टू नो, अब तो स्ट्रेट देखिए, इधर उधर की बातें तो करनी नहीं है, सीधे सीधे बात, मुद्दे की बात करनी है कि आई आकाश केम टू नो अबाउट अ वेकेंसी, वेकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन ज्योग्राफी, ठीक है, इन योर इंस्टीट्यूशन, कि आपके इंस्टीट्यूट में ये वैकेंसी मुझे पता चला, आई वॉन्ट टू apply for the same, कि मैं इसके लिए apply करना चाहता हूँ। अब आप अपने बारे में बताइए कि क्या हैं आप, I am B.Ed in first division division and postgraduate in geography, क्योंकि देखिए ये इस पद के लिए important चीज है, I am, अब आप और क्या हैं, क्या जानते हैं वो बताइए, आई एम पी जी डी सी ए, कंप्यूटर कोर्स है ये, पी जी डी सी ए ऑल्सो, ठीक है, ये तो एक नॉर्मल चीज़ हुई। फिर आई वॉन्ट टू अश्योर यू सर, you sir that if I am given the job I will put in all my efforts to your
सेटिस्फैक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। माय सीवी इज, देखिए हमने इसके साथ अटैच किया है, अटैच्ड हियरविद इसके साथ ही फॉर योर काइंड परमिशन। ये देखिए आप एक बार इसको पूरा देख लीजिए, आप कहेंगे मैम ने लिखते हुए इधर उधर कर दिया तो हमें दिखाई नहीं, ये देख लीजिए। थैंकिंग यू योर्स सिंसियरली। आप कौन है? आकाश। ठीक है, तो ये हो गया आकाश। ठीक है, ये है कंप्लीट लेटर, एप्लीकेशन है। अब बात आती है सीवी की। ठीक है, मैं हेडिंग बना देती हूँ। पहले तो हम क्या करेंगे, सीवी, एक अच्छा सीवी अगर आप कॉलम्स बना के लिखें तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये इस तरीके से हम कॉलम बना लेंगे। ठीक है, ये आपके बारे में एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, तो आप वो सारी चीज़ें यहाँ पर शो करेंगे। सॉरी, पहले हम क्या करेंगे, ऊपर हेडिंग लिख देंगे सीवी। ठीक है, मैंने देखिए ब्लॉक बनाया है। इसके बाद नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ठीक है, उसके बाद आ गया डेट ऑफ बर्थ, फिर आ गया एड्रेस, या आप इसमें प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, दो तीन लाइनें छोड़ दीजिए, फिर आ जाएगा परमानेंट एड्रेस। ठीक है, फिर आएगा कॉन्टैक्ट नंबर, अगर हो तो ईमेल आईडी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद मैरिटल स्टेटस, कि बे शादीशुदा है या नहीं है, स्टेटस। फिर आ जाएगा नेशनलिटी, कौन सी राष्ट्रीयता के कहाँ से हो। ठीक है, ये आ गया, ये सारे जरूरी हैं। ओके, ये हो गया, ये तो पर्सनल इंफॉर्मेशन है। उसके बाद आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब बंदे ने क्या किया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो क्या किया है उसने, कम से कम 10th 12th BA और MA ये सब किया है, और उसके BEd अलग से किया है, PGDCA अलग से किया है, तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे, तो ये है एकेडमिक क्वालिफिकेशन या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। हम टेबल बनाएंगे। ठीक है, ये हम एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ देखिए क्रम संख्या या सीरियल नंबर, क्लास या कोर्स। ठीक है, तो ये हम कॉलम खींच लेते हैं। फिर है बोर्ड या यूनिवर्सिटी, कहाँ से किया है। उसके बाद परसेंटेज, कौन से परसेंट, और फिर है ईयर। ठीक है, तो ये और स्पेसिफिकेशन,
कुछ और हो तो बता दो। तो पहले हम कौन सा डालेंगे, क्लास है 10th, फिर दूसरा आ जाएगा 12th, फिर तीसरा आ जाएगा ग्रेजुएशन। अच्छा, इसमें एक हमने नहीं डाला, वो आ जाएगा सब्जेक्ट्स, ये आ जाएंगे सब्जेक्ट्स, ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। ओके, ये तो हुआ एकेडमिक क्वालिफिकेशन। अब आते हैं प्रोफेशनल डिग्रीज, तो हम यहाँ डालेंगे हेडिंग, ठीक है, नंबर 2 प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस। देखो इसने दो चीजें की भी है, तो हम यही यहां पे लेंगे, इसको हम नीचे ले लेते हैं क्योंकि हमारा यहाँ ये टेबल खत्म हो जाएगी। तो सीरियल नंबर, डिग्री, ठीक है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी से करते हैं ये तो सामान्य तौर पे, सब्जेक्ट्स, परसेंट, ईयर, स्पेसिफिकेशन, ये आ गया। फिर इसने पहला कौन सा किया, बीएड, ठीक है, और दूसरा हो गया पीजीडीसी। ये सब यहाँ पे हम शो करेंगे। देखिए ये लिखने हैं, ये खाली नहीं छोड़ने, ये कुछ भी खाली नहीं छोड़ना, आपको लिखना है। मैं ये फॉर्मेट बता रही हूँ, लिखने का काम आपका, ये आपको होमवर्क दे रही हूँ। देखिए आप लेटर भी कॉपी में लिखेंगे और ये सीवी भी कंप्लीट लिखेंगे। देखिए बच्चे का नाम आ जाएगा आकाश, फिर मन से कोई भी फादर नेम लिख दीजिएगा, मदर नेम लिख दीजिएगा, उसकी जन्म तिथि या डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा, उसके कोई भी मन से दोनों एड्रेस सेम कर दीजिएगा, फिर उसके मन से कोई भी फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी है तो, नहीं तो डैश कर दीजिएगा, मैरिड स्टेटस, मैरिड या अनमैरिड लिखना, नेशनलिटी आ जाएगा इंडियन, ठीक है। फिर 10th में उसने कहाँ से किया, RBSC से किया, राजस्थान बोर्ड से या CBSE से, फिर कौन कौन से सब्जेक्ट है, तो ऑल कंपल्सरी सब्जेक्ट, फिर परसेंटेज आप अच्छे खासे बता दीजिए, और कोई भी सत्र बता दीजिए, सत्र इतना बताइएगा कि कम से कम बंदा 25, 26, 30 साल का हो। फिर 12वीं, 12th हो गया बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या CBSE जो भी है, सब्जेक्ट आप ऑप्शनल बताना है यहाँ पे, कितने परसेंट बने, कौन से साल में किए। फिर ग्रेजुएशन, BEd किया, BA किया, BA कहाँ से किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, ज्योग्राफी सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और ये कहाँ से किया, और ये सब आपको भरना है। उसके बाद BEd किया, कौन से कॉलेज से किया, क्या क्या सब्जेक्ट है, तो एक तो ज्योग्राफी आ ही जाएगा और एक SST आ जाएगा, यहाँ कंप्यूटर साइंस आ जाएगा, ये कहाँ से किया, ये पूरा आपको करना। इसके बाद की जो चीज़ आती है वो मैं आपको, देखिए आप एक तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको करना ही करना है, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, देखिए ये कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ टेबल कंप्लीट हुई है, हमारा CV अभी भी चल रहा है, तो हम इसको कंटिन्यू कॉलम बना लेते हैं, मैं नीचे की लाइन बाद में खींचूंगी, ठीक है। फिर आते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज, ठीक है, कौन कौन से, कोई गेम है, कुछ भी हॉबीज वगैरह, 1, 2, 3 जितनी भी हो आप यहाँ पर बता सकते हैं, कोई गेम्स है, कोई पेंटिंग है, बुक रीडिंग है, कुछ भी हॉबीज़ वगैरह को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप शो कर सकते हैं कि उसने अगर जैसे कोई गेम्स में पार्टिसिपेट किया तो सर्टिफिकेट्स होते हैं नेशनल लेवल के, स्टेट लेवल के, वो बता सकते हैं, जैसे मान लो बास्केटबॉल खेलता है या बैडमिंटन खेलता है, व्हाटएवर जो भी है वो उसकी अदर एक्टिविटीज़ यहाँ बता सकते हैं। फिर गोल, उसका क्या उद्देश्य है लाइफ में वो बताना है, तो मैं ये बता देती हूँ, टू बी अ गुड एंड सक्सेसफुल टीचर, भाई टीचर की जॉब के लिए जा रहे हो तो ये तो बताना ही पड़ेगा ना, ठीक है। उसके बाद अब आप हमारे यहाँ पे ये कवर कर देते हैं और यहाँ पे भी कवर कर देते हैं,
ठीक है, फिर आ जाएगा डेट, प्लेस, सॉरी प्लेस, एंड इधर आ जाएगा सिग्नेचर, ठीक है ना, ये यहाँ पर आ जाएगा आकाश, सिग्नेचर आ गया, वहाँ पर भी किया था, इधर जगह और तारीख आ जाएगी। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। अब इसको कंप्लीट करना आपका काम है बच्चों, आप इसको कंप्लीट कीजिए नेक्स्ट। और मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले दो तीन जो हमारे सीवी वाले वीडियोस हैं उनका लिंक दे दूंगी, तो आप वो भी देख लीजिए, वो भी कॉपी में नोट कीजिए। और अब नेक्स्ट क्लास में मैं एक क्वेश्चन दूंगी आपको जो आपको सॉल्व करना है। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी, थैंक यू।